एटीएम से माल निकाल रहे हैं, हम लोग माल निकाल मिला पता है चंदा ये लोग माल निकाल रहे हैं ताकि माला माल करके ये लोग टूर कर पाए और बाकी थोड़ा देर बाद आप लोग को भी जन्नत देखने मिलेगा। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल अविक रो जर्नी। सो एट फर्स्ट हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। सो अब हम लोग निकल जाते हैं, कुछ सरप्राइज है, ये भी अचानक ही प्लान हुआ है, ये सच्ची है, फिर से आज वो भी आज तो हम लोग निकलेंगे अब न्यू ईयर का नया चोट डाउकी के लिए। तो पहले शिलोंग जाएंगे, शिलोंग वाला आपको दिखाएंगे व्लॉग, उसके बाद डाउकी का दिखाएंगे। सो बने रहे हमारे साथ, डाउकी शिलोंग में भी अलग अलग पार्ट हो सकता है, अभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन आपको मजा जरूर आएगा। सो बने रहे हमारे साथ। सो लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स गो। तो शिलोंग पालू पहुंच चुके हैं शिलोंग, और हम लोग अभी ठहरे हुए समथिंग कुछ पाइन गेस्ट हाउस, ऐसा कुछ नाम भी इतना नहीं पता अच्छा खासा, मतलब बहुत अंदर पे है, मुझे इतना मतलब लगा नहीं था कि इतना अंदर हो, मैं क्यों भी मास्क लगा रहा हूँ। तो उसके बाद ये ऐसा करके सिटिंग एरिया दिया, उधर रूम दिया है हम लोग का, उधर रूम है उस साइड में, और बाकी कल के लिए रुका हुआ बस, क्योंकि आज रात अभी कटना है। सर इतना मतलब क्या बोलूँ, साइलेंट और मतलब घुटन घुटन अभी फील हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है, अभी आए हैं तो मूड खराब क्यों करना है। तो लेट्स सी, अभी हम लोग ने जस्ट मतलब डिनर ख़त्म किया है और अभी कल निकलेंगे डॉगी के लिए। तो लोग उस लोग पूरा पीछे में मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्ती चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। गाइस अभी सुबह के लगभग 7 बजने वाले, काफ़ी धूप निकल चुका है। सो शायद आज का दिन थोड़ा सनी होने वाला, अच्छा ही, इतना ज़्यादा मतलब जो होता है फॉगी होना भी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ मैं मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है। और बाकी रहा अभी के ब्रेकफास्ट क्या करेंगे, करेंगे यहाँ पे बैठेंगे, अभी पता नहीं चाय वाय पियेंगे कि नहीं, लेकिन निकलना ज़रूर है, हम लोग का ड्राइवर आने वाला है। सो अभी थोड़ी देर बाद निकल देंगे यहाँ से। हम लोग देखिए रेडी वेडी है पूरा एकदम, आगे है मेरा कैमरा मैन सब। अभी हम लोग डाउके के लिए निकल चुके हैं और होटल से भी चेकआउट कर लिया है, अच्छा लगा होटल, सर्विस भी बहुत अच्छा था, ओवरऑल सब ठीक है। अभी अच्छा अच्छा से डाउकी घूम के फिर टाटा बाय बाय गुवाहाटी के लिए। चोट लग गया है, बोल दो वो मेरा चोट पता नहीं, ठीक है होगा चलेगा, और ठीक है चलिए डाउकी दिखाते हैं आप लोगों को। एक अल्टीमेट चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, डाउकी के जाते हुए रास्ते में हम लोग को मिल गया ये अचानक बर्फ का लेयर, ये देख सकते हो ये पूरा बर्फ है, सो ब्यूटीफुल। और धुआं धुआं निकल रहा है थोड़ा सा, मतलब ये ओस की जो फीलिंग्स है, तो अपनी नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी सुंदरता है आप देख सकते हो। मेन तो अपना तवांग ही है, मतलब अरुणाचल साइड में आप ज़्यादा देख सकते हो बर्फ, बट एक्सपेक्ट नहीं किए थे शिलोंग में भी अपन को मिल जाएंगे ऐसा। गाँव के जाते हुए रास्ते में बहुत ही अच्छा नज़ारा है आप देख सकते हो। सो एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आप लोगों को भी? बहुत ठंडा है, ठंडा नहीं बर्फ, बर्फ कैसा लग रहा है, बर्फ वाला एक्सपीरियंस मस्त, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
जो यहाँ पे जो ये लेयर हुई है, ये परत है कल तक की, मतलब कल, मतलब ये मॉर्निंग की है, फ्रेश फ्रेश आप देख सकते हो। ये मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, धुआं निकल रहा था, मुझे लग रहा था कोई आग लगाया होगा और काला काला, मतलब वैसा एक्सपेक्ट करेंगे ना, लेकिन कौन एक्सपेक्ट करता है ऐसा भाई। अनएक्सपेक्टेड ठंडा भी यहाँ पे ज़्यादा है, शिलोंग से कहीं ज़्यादा है, मतलब शिलोंग ही है, बट शिलोंग का बीच वाला है जो यहाँ पे जो रास्ता पड़ता है डाउकी तक का, ये है सफ़र। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं दाउकी बाज़ार, तो जस्ट उतरे हैं, अब उतर के यहाँ पे ये लोग एटीएम से माल निकाल रहे हैं, माल निकाल मिला पता है, जन्नत ये लोग माल निकाल रहे हैं ताकि माला माल करके ये लोग टूर कर पाए और बाकी थोड़ा देर बाद आप लोग को भी जन्नत देखने मिलेगा। और मेरे पास माल कम है शायद, लेट मी चेक। हाँ माल अभी आप लोगों को क्या माल दिखाना है, आप लोगों को जगह दिखाना है। सो अभी हम लोग विजिट करेंगे थोड़ी देर बाद, सो बने रहे हमारे साथ। अभी क्रूज जर्नी पे ये है हमारा टूर। देखिए यहाँ मिलते ही हम लोग को मिल गया है जो है दाउकी बाज़ार में, ये बांग्लादेश के लोकल प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये क्या है? बांग्लादेश का मिठाई। बांग्लादेश का है ये, बांग्लादेश का लोकल प्रोडक्ट आप देख सकते हो। ये बांग्लादेश का लोकल रसगुल्ला लालमोहन, और बाकी ये है छाल मुड़ी, और ये कुछ छाल मुड़ी। सो गाइस अभी हम लोग ने नाश्ता कर लिया, थोड़ा नाश्ता पानी हो चुका है पेट पूजा, क्योंकि सुबह खाली पेट, वही जो आप लोगों ने देखा था मैगी। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं यही शर्ट पहन के क्यों घूम रहा हूँ, अरे भाई बहुत गर्मी है यहाँ पे, एक ही टेम्परेचर है, कोई इतना वो टेम्परेचर है नहीं जो आप लोग आ सको और ये कर सको, कोई इशू वही है बस। नॉर्मल क्या है कि फॉर प्रोटेक्शन बहुत सारे टूरिस्ट है, तो मैंने मास्क लगा लिया है, क्योंकि पता नहीं कौन सा वेरिएंट कोरोना का आ जाता है और कौन सा वेरिएंट आने वाला है। तो अभी जा रहे बोटिंग की ओर, तो आपको दिखाते रहेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं, तो बने रहिए। और ये मैडम जी का तो क्या है, बोले अपना ही, तो लेट्स सी। लग रहा है ना फ्लोट हो रहा हूँ, दैट्स द फीलिंग ब्रदर, दैट्स द फीलिंग। ओ जब मरेगा ये देख, ये देख फोटो सेशन भी चल रहा है साथ ही साथ। और बाकी ये भैया जी, भैया जी, ओ भैया जी हाय बोल दीजिए, हाय दिस इज द भैया जी हु इज टेकिंग अस ऑन एंड ऑन। और बाकी देखिए माय, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है दाउकी का, रियली मैं अभी तक आया नहीं था, बहुत सुना था इसके बारे में, बट मन कर रहा था विजिट करूँ, सो विजिट कर दिया मैंने। और देखिए मतलब जो क्लियरिटी है वाटर में, जो क्रिस्टल क्लियर है वाटर, ये है मतलब जो इसका
मस्ती का हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि मैं दाउकी में नहीं हूँ, मैं कहीं अंडमान निकोबर में हूँ, और मतलब क्या ही बोलूँ, और वेरी 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 हैप्पी। और ये देखिए, और ये देखिए मेरे साथ मेरे दोस्त हैं सारे, और उधर हाय बोल दो यार सब लोग, सब लोग पूरा एकदम मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आया है। सो अभी उतर चुके हम लोग यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए वेट किए, फ़ोटो सेशन चलेगा यहाँ पे, अभी थोड़ा मतलब फ़ोटो वोटो खींचना होते रहेगा यहाँ पे, देख सकते हैं आप। मैं देखिए एक थोड़ा अचंभित चीज़ मुझे देखने को मिली, जो कि है बियर, यू कैन ड्रिंक बियर। और गोवा वाला ही वाइब्स मुझे थोड़ा देर के लिए आ चुका था माइंड में कि गोवा में हूँ क्या ऐसा करके, तो पीछे में चिल करने के लिए बियर वो वाटर में रखते हैं, तो वहाँ से मतलब सीधा सीधा जो चिल बियर है वो आपको निकाल के वहीं से दे देते हैं। तो मतलब ये थोड़ा टेक्निक का यूज़ करते, नेचर को एज अ मीडियम ऑफ ठंडक बना के वो लोग यूज़ कर रहे, बट वेरी नाइस आइडिया और आई लाइक द इनोवेशन। और बाकी आप बताइए आपका क्या चल रहा है मैडम जी? अच्छा चल रहा है सी, कुछ तो बोलिए आजकल आप, बोलना बंद कर दिया, आपके जो चाहता आपका फैंस जो है सारे वो आपको ही चाहते हैं देखने के लिए, मुझे तो चाहते नहीं, वो लोग बोलते रहते कहाँ गया, चोट लगाया ना, मूड खराब। अच्छा चोट लगाए, मूड खराब है, ठीक है। बाकी और आगे देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, सो लेट्स सी। अभी उतर गए हैं नाव से, अभी जाएंगे हम लोग शायद रुद्र बीच में। तो ये रहा डाउकी का टूर, यहीं पे ख़त्म होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि थोड़ी दूर पे बांग्लादेश का बॉर्डर रहता है, तो बांग्लादेश के कुछ कुछ जो है यंग बॉय यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एज एम्प्लॉयमेंट आते हैं और पिक्चर जो है वो क्लिक करते हैं। आप देख सकते हो वो मेरे पीछे पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ से क्लिक करके तो वो पर फोटो पर 30 रुपीज़ करके लेते हैं, और ऐसा ही ये लोग का गुजारा चल रहा है फिलहाल। अच्छा ही लगा एक्सपीरियंस। और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो मेरे पीछे ही बांग्लादेश है, जहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा जाने के लिए। और ये बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का झालमुड़ी खाने के लिए तरस रही है। ये देखिए बांग्लादेश का झालमुड़ी चल रहा है अभी, कैसा थोड़ा टेस्ट करके बताइएगा कैसा है? अच्छा है, अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। वो सोचिए बॉर्डर पार से हम लोग झालमुड़ी मंगाते हैं, इतना पावर है इंडिया में। और बाकी टेस्ट अच्छा है बता रहे हैं, और टेस्ट करिए ठीक है। चलो हम भी टेस्ट कर लेंगे, ज़्यादा डाल देंगे, हमें ज़्यादा डाल नहीं है, डाल नहीं। वाह। सो अभी हम लोग पहुँच गए रूट ब्रिज, तो यहाँ से सफ़र थोड़ा मुश्किल होगा, से भी निकलेंगे हम लोग रूट ब्रिज की ओर, तो देखते हैं नेचुरल कैसा रूट ब्रिज बनाया है और कैसा है सारा कुछ। तो बाकी यहाँ का वेदर थोड़ा ठंडा है, मतलब मीडियम है वो डाउकी से ज़्यादा, क्योंकि अंदर है और ये मेघालय के अंदर ही गिर जाता है। तो अभी चलते हैं और थोड़ा मज़ा लेता है। यही था रूट ब्रिज, थोड़ा सा ही है, छोटा सा बट प्यारा सा जगह है जो कि नेचुरलिटी से भरपूर है। मेरे पीछे देख सकते हैं वो रूट ब्रिज आप, तो वही है रूट ब्रिज। और बाकी जो नेचुरल जो रूट्स ये अपने आप ब्रिज बनते हैं, और बाकी बहुत ही प्यारा नज़ारा है जो कि मैंने आपको दिखाया एकदम नेचर के बीच में। आपको थोड़ा सा मेहनत करके आना पड़ेगा, लेकिन बट
वर्थ इट है, तो आप एक बार आ सकते हो। एंट्री फीस 40 रुपीज़ करके पर पर्सन, और अगर आप कैमरा ला रहे हो तो 20 रुपीज़। सो अफोर्डेबल है, और आइए टूरिज़्म को थोड़ा सपोर्ट कीजिए अपना ही प्लेस है, और सब मतलब आप अगर बूस्ट करोगे तभी जाके गवर्नमेंट भी इस पर रेवेन्यू कर पाएंगे, और बाकी सारा जो है ये खुद की माइंड फ्रेश के लिए है और ख़ुद की रिफ्रेशमेंट के लिए। तो एंजॉय कीजिए इस व्यू को, इस नज़ारा को मेरे साथ और मेरे जर्नी के साथ।